आप देख रहे हैं राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। अब तक हमने आपको हमारे ट्रैवल वीडियोस के जरिए कई प्लेसेस की सैर करवाई है, लेकिन आज हम आपको हमारे इस वीडियो के जरिए एक ब्रिज के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आज हम आपको एक ब्रिज के बारे में बताएंगे। एक ऐसे सी ब्रिज का निर्माण भारत में हो रहा है जो देश को कई मुख्य हिस्सों से जोड़ेगा। भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में इस सी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला वर्टिकल रेलवे लिफ्ट सी ब्रिज है, जिसे न्यू पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर पर कुछ फोटोज भी शेयर की हैं। केंद्रीय रेल मंत्री ने ट्वीट करके बताया, नया पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज टारगेट मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। न्यू पंबन ब्रिज 2.5 किलोमीटर लंबा है, जिसका निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है, जिसके निर्माण में लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये ब्रिज रामेश्वरम से भारत के कई मुख्य हिस्सों को जोड़ेगा और यातायात सरल बनेगा। रामेश्वरम में मौजूद प्राचीन ब्रिज 105 साल पुराना है। सी ब्रिज के निर्माण में शेजर रोलिंग लिफ्ट जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बनाया जा रहा है। ब्रिज की खासियत ये है कि बड़े जहाजों के ब्रिज के नीचे से गुजरने के लिए ब्रिज अपने आप खुलेगा। आधुनिक तकनीक से लैस ब्रिज के दोनों सिरों पर सेंसर लगे हुए हैं, जबकि पुराने ब्रिज को हाथों से ऑपरेट किया जाता था, लेकिन अब नए न्यू पंबन ब्रिज को इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम से ऑपरेट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे मंत्रालय ने बताया कि ये दोहरे ट्रैक वाला अत्याधुनिक पुल देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहलाएगा। कोरोना महामारी के कारण सी ब्रिज का निर्माण कार्य रोक दिया गया था। वैसे तो इस साल 2021 में सितंबर के महीने में निर्माण कार्य पूरा हो जाना तय था, वहीं अब सी ब्रिज साल 2022 में मार्च महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर इस पुल की विशेषता की बात करें तो ये शेजर रोलिंग लिफ्ट मॉडल पर काम करता है और 90 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर खुलता है। पुल के नए मॉडल का निर्माण पहले तैयार किए गए मॉडल के समानांतर है, जो कि ट्रेन और समुद्री जहाजों के बीच क्रॉस कम्युनिकेटिंग की अनुमति देगा। नए पुल की खूबी ये है कि यात्रा के दौरान जहाजों को गुजरने की अनुमति देने के लिए इसके मध्य भाग को ऊपर उठाया जाता है, जबकि पुराने मॉडल में शेजर रोलिंग लिफ्ट मॉडल मैनुअल रूप से संचालित होता था। रेल मंत्रालय की परियोजना में इस पुल को 101 पियर्स के साथ पुराने पुल की तुलना में 3 मीटर ऊंचा करने को कहा गया है। इसके अलावा ये पुल समुद्री जहाजों जैसे स्ट्रीमर को पार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।